राजस्थान से खम्मा घड़ी आप देख रहे हैं राजस्थानी रिएक्शन। नई फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो आज हम करेंगे ट्रेलर का रिएक्शन और रिव्यू। जुड़े रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले इसी तरह के बहुत सारे बिल्कुल 100% खरे एकदम बिना किसी लाग लपेट के कड़वे रिएक्शन और रिव्यू देखने के लिए आप देख सकते हैं मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर मैं आपको इस नाम से मिलूंगा। आजकल वैसे भी बॉलीवुड गॉड के भरोसे चल रहा है। किसी फिल्म में गॉड के लिए कुछ बोल दो तो फिल्म फ्लॉप, किसी फिल्म में गॉड के लिए अच्छा बोलो तो पुराने वीडियोस निकाल के फिल्म फ्लॉप। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन इस बार गॉड को थैंक्स कहते नजर आ रहे हैं अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर देख के लग रहा है कि अगर कुछ बॉयकॉट का लोचा नहीं हुआ तो फिल्म बहुत अच्छा निकाल लेगी। फिल्म का कंटेंट अच्छा लग रहा है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के कॉमेडी के पुराने जाने पहचाने नाम इंद्र कुमार। वैसे तो इंद्र कुमार और अजय देवगन ने बहुत पहले 90s में एक फिल्म करी थी जिसका नाम था इश्क। एक ही फिल्म करी थी पहले, लेकिन वो भी इतनी शानदार और यादगार थी कि कॉमेडी अगर देखनी हो विशुद्ध कॉमेडी तो हम वो फिल्म जरूर देखते हैं। फिल्म के बारे में ज्यादा कोई बात करता नहीं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इश्क के बाद में अजय देवगन के करियर में एक अलग तरह का पीक सेट हुआ था। अब बात करते हैं एक्टिंग की, कास्टिंग की। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग में वही बात है, वही उनके फेस एक्सप्रेशंस है, वही एक्टिंग है। कुल मिला के जितना सिद्धार्थ से हो सका उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया। अगर हीरोइन की बात करें तो इसमें रकुल प्रीत हैं। रकुल प्रीत के लिए फिल्म में कितना स्कोप होगा पता नहीं, लेकिन फिल्म की ड्राइविंग सीट पर होंगे अजय देवगन। ट्रेलर में जो आदमी छा गया सोचिए वो फिल्म में क्या करेगा। शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। डायलॉग डिलीवरी हो या फिर अब कॉमेडी, अजय देवगन ने झंडे गाड़ रखे हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक आदमी जो अपनी आंखों से भी एक्टिंग कर सकता है, डायलॉग बोल सकता है। फिल्म के गाने ट्रेलर में सुनाई नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिस्ट में नाम देखेंगे तो आप पाएंगे तनिष्क बागची का, यानी कि एक ना एक गाना इसमें रिमिक्स जरूर होगा। लिरिक्स धुन वही पुरानी, लेकिन माल की पैकेजिंग नहीं। आनंद राज आनंद का भी नाम है, यानी एक दो गाने ऐसे जरूर होंगे जो अच्छी धुन पे होंगे, आपको कुछ समय के लिए याद रह जाएंगे। आनंद राज आनंद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पुराने हीरे हैं। फिल्म का ज्यादातर पार्ट VFX हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर फिल्म जो है वो VFX और ग्रीन पर्दे पर शूट हुई है। फिल्म के शुरुआत में ही सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो फोन पे बात ना करें। तो जब उनका एक्सीडेंट होता है तो वो यमराज के पास पहुंचते हैं और अजय देवगन जो चित्रगुप्त बने हैं वो उनका लेखा जोखा करते हैं। तो जब जब मुंबई के सेट्स को छोड़ दें तो पूरी फिल्म ग्रीन पर्दे पर है। अब ग्रीन पर्दे पर देखना ये होगा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री VFX के लिए बहुत अच्छी नहीं जानी जाती है, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दें तो, क्योंकि कुछ लोग उसे लेजर इफेक्ट भी कह रहे हैं। तो अगर उसको छोड़ दें तो थैंक गॉड में VFX और ग्रीन स्क्रीन का जो शूट है वो थर्ड क्लास होगा या A1 होगा, फिल्म देखने के बाद थिएटर में पता लगेगा। अब क्योंकि इंद्र कुमार हैं और अजय देवगन की जोड़ी एक बार फिर से आई है, बहुत सालों बाद आई है, अच्छी फिल्म लग रही है, तो छोटे छोटे जो कॉमेडी सीन्स हैं वो इस फिल्म में बहुत सारे हैं, जो आपको ट्रेलर में भी दिखाई देते हैं। इसमें कुछ आर्दा भी हैं। दूसरा, वो सीन्स आपके लिए पैसा वसूल हो सकते हैं, थिएटर में आपको बोर नहीं होने देंगे, बांध के रखेंगे। वैसे तो फिल्म के भरोसे कुछ ही लोग बैठे होते हैं जो फिल्म से जुड़े हुए होते हैं। इंद्र कुमार पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार इस फिल्म पे पूरा बॉलीवुड टिका हुआ है, पूरे बॉलीवुड का फ्यूचर टिका हुआ है। ये फिल्म अगर अच्छा कर गई तो एक नया स्टार्ट मिल सकता है नई तरह की फिल्मों का, जिसमें भगवान का मजाक नहीं उड़ाया गया हो। वैसे तो इंद्र कुमार इस तरह के डायरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर बॉलीवुड का ही टाइम खराब हो तो कोई क्या कर लेगा। फिल्म का ट्रेलर ओवरऑल बहुत मस्त था, 5 में से आप इसको 4 नंबर बिल्कुल दे सकते हैं। फिल्म अच्छी लग रही है, दिवाली पर रिलीज होगी, हो सकता है कि इस बार दिवाली पर पटाखों के साथ साथ बॉलीवुड में भी कोई बढ़िया धमाका होगा। इसी तरह के रिव्यू और रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं मेरा ये चैनल राजस्थान से। मैं हूं, मैं देता हूं रिएक्शन, राजस्थानी रिएक्शन। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त।